Good morning everyone. Up to now what we have discussed about the population explosion and birth control, in which we have studied about the different contraceptive devices and methods by which we can control the birth. We can control the population explosion or birth control. हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के टॉपिक में पढ़ा कि यहाँ जो मेरी डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसके द्वारा हमने डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में कहा जिससे हम पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं या बर्थ कंट्रोल को चेक कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू टॉपिक विच इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP. Medical termination of pregnancy. Okay, we are now going to discuss about the medical termination of pregnancy. Internal or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy. इंटेंशनल या वॉलेंट्री टर्मिनेशन मीन्स प्रेगनेंसी को ना चाहना या प्रेगनेंट होने के बाद उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, जिसमें या इसका जो दूसरा नाम है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इसका और किस नाम से जानते हैं, इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन के नाम से जानते हैं. Induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts one of the fifth of the total number of conceived pregnancy in a year. लगभग 45 से 50 million MTPs हर साल परफॉर्म किए जाते हैं ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो कितना हिस्सा है, जो लगभग वन ऑफ द फिफ्थ पार्ट है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का, मीन्स जितनी भी प्रेगनेंसी एक साल में एक पूरे वर्ल्ड में होती हैं उसका एक वन ऑफ द फिफ्थ, मतलब उसका पांच में से एक हिस्सा पूरा वर्ल्ड में हर साल MTP के थ्रू चला जाता है, मीन्स एबॉर्शन में चला जाता है. ऑब्वियसली MTP हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दो इट नॉट मीन फॉर दैट पर्पज. तो इसी वजह से जो MTP है वो एक मुख्य रोल प्ले कर रही है किसमें, पॉपुलेशन के डिक्रीजमेंट में, लेकिन जबकि ये उस प्रोसेस के लिए नहीं बनाया गया. ये जो मेथड है वो पॉपुलेशन के डिक्रीजमेंट के लिए नहीं है. वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्वड इन इट. ये जो MTP का इशू है, इसे एक्सेप्ट किया जाए या फिर बैन लगा दिया जाए, इसको देखते हुए कई कंट्रीज में हर बिहेवियर को ध्यान रखते हुए, जैसे कि इथिकल हुआ, चाहे इमोशनल बिहेवियर हुआ, चाहे रिलीजियस या कुछ सोशल इश्यूज को ध्यान रखते हुए कई कंट्रीज में इस पर बहस हो चुकी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971 सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज. लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने MTP को लीगल बताया है और अलॉन्ग उसी के साथ साथ उसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस को लगाए ताकि इसका मिसयूज ना हो सके. सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेशन एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड विच आर रिपोर्टेड इन हाई इन इंडिया. और वो रिस्ट्रिक्शंस किस लिए लगाए गए हैं, वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए ताकि फीमेल फर्टिसाइड की जो केसेस हैं इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा थे, उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और जो मेल और फीमेल चाइल्ड में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको देखने के लिए, उसको रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. ऑब्वियसली आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर यूज टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप. तो फिर MTP का यूज क्यों होता है, MTP का यूज जाहिर सी बात है किसके लिए यूज होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए यूज होता है या इंटरकोर्स कोइटस के लिए हो जाता है, जैसे कि रेप की वजह से हो जाता है उसके लिए यूज होता है, और तो किसके लिए यूज होता है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ड्यूरिंग कोइटस की ड्यूरेशन में फेल हो जाए तो उसके लिए MTP का यूज किया जाता है. MTP बहुत ही जरूरी है कुछ केसेस के लिए जहाँ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, जहाँ प्रेगनेंसी हार्मफुल हो सकती है, इवन फैटल आइडर टू द मदर और टू द फोटस ऑफ गॉड. और ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ
बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट मिल सकते हैं प्रेगनेंसी के ऐसे कुछ डिफॉर्मेलिटीज के कारण। हो सकता है मदर के साथ फोटस की भी डेथ हो जाए, फोटस के साथ मदर की भी डेथ हो जाए। इस कंडीशन के लिए MTP को बनाया गया था, इस कंडीशन के लिए MTP को लीगलाइज किया जाता है। MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। MTP को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सेफ माना जाता है, जो मीन्स 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही अगर MTP मीन्स एबॉर्शन हो जाए तो उसे सेफ माना जाता है। लेकिन अगर वही सेकेंड ट्राइमेस्टर चल गया मीन्स नियर अबाउट 24 वीक्स का, जो 12 से 24 वीक्स का पीरियड होता है उसमें अगर एबॉर्शन की प्रोसेस होती है तो इट में बी कैजुअल, वो बहुत ही हाईली रिस्की होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें रिस्क होते हैं एंड अनसेफ, वो बहुत ही अनसेफ होता है और कैन बी फैटल टू, उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। एंड द जेनिटल स्टेट इज द मिसयूज ऑफ एम्नियोसिंटेक्स टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। और जो दूसरा जो ट्रेंड है जो जिसका मिसयूज किया जाता है वो प्रोसेस है एम्नियोसिंटेसिस की, जिसमें क्या एम्नियोसिंटेसिस की प्रोसेस के द्वारा वॉम्ब में मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही चाइल्ड के सेक्स का पता लगा लिया जाता है। और फिर अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो मोस्टली केसेस में इंडिया में देखा गया है कि उसका एबॉर्शन करवा के उसको फीमेल फर्टिसाइड मीन्स बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं, ठीक है। इसको रोकने के लिए एम्नियोसिंटेसिस पे हमारे इंडिया में कम्प्लीटली बैन लगा है, कोई भी पर्सन कुछ भी करके फीमेल फोइटस का सेक्स नहीं जा सकता, वो एम्नियोसिंटेसिस प्रोसेस द्वारा होता है। एम्नियोसिंटेसिस प्रोसेस होता क्या है, द एम्नियोटिक फ्लूइड विच इज द फ्लूइड ऑफ यूट्रस फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो। एक एम्नियोटिक एम्ब्रियो की लेयर होती है जो एम्ब्रियो को सराउंड की रहती है, इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड होता है, उस एम्नियोटिक फ्लूइड को एम्नियोसिंटेसिस प्रोसेस मीन्स सिरिंज के द्वारा बाहर निकाल के उसको ऑब्जर्व करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके हम इसमें सिक्स का पता लगाते हैं, फोइटस के सिक्स का पता लगाते हैं। बट ये पूरी तरह से बैन है, इंडिया में इसमें बैन लगाया गया है। फ्रीक्वेंटली द फोइटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट विल इट इज फॉलोड बाय MTP, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फोइटस। और इसीलिए इन प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए ताकि ये, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, हो सकता है मदर के साथ फोइटस के साथ मदर की भी जान चली जाए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड ऑफ अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन इलीगल अबॉर्शंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। अब जो ये तो सारी बात हो गई दिक्कत की, ये जो परेशानियाँ हैं, लेकिन इस परेशानी को कैसे बदला जा सकता है, इसको बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो अनप्रोटेक्टेड कोइटस है मींस अनप्रोटेक्टेड जिसमें सेफ कोइटस नहीं उसको रोकना होगा। जो रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अनप्रोटेक्टेड कोइटस मींस रेप के केसेस में, उसे इलीगल एबॉर्शंस के थ्रू इन्वॉल्व इन इलीगल एबॉर्शन जो होते हैं उन्हें भी रोकना होगा। और कैसे रोक सकते हैं, जब हम सोसाइटी को प्रोवाइडिंग मोर हेल्थी केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर हम सोसाइटी को और अच्छी करेंगे और तो और उसके साथ जो अनहेल्दी ट्रेंड है उन्हें रोकेंगे, तो ये जो प्रोसेस है हमारा MTP का इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे एक लीगल मैनर में ही हम यूज कर सकते हैं, इसका इलीगल यूज होने से हम रोक सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द MTP। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्स रिलेटेड डिजीजेस होती हैं वो STDs के अंदर में आती हैं। क्या होता है, डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ डिजीजेस होती हैं ऐसी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं, उन्हीं को STDs कहते हैं, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, या वेनेरा डिजीज उसका दूसरा नाम है, या RTI मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें कौन कौन से डिजीज हैं, गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया, जेनिटल हर्पेस हो गया, चेलवाइडियासिस हो गया, जेनिटल वॉट्स हो गया, ट्राइकोमोनियोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और कुछ जैसे कि HIV हो गए, एड्स हो गया, ये सब कॉमन STDs हैं, ये सब कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जो लगभग जिसे पता नहीं चलता है और ये हमें देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय सेविंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फोइटस टू
कुछ बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और एचआईवी की अगर हम बात करें तो ये तो सिर्फ इन्फेक्शन नीडल, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का नीडल हम यूज कर लें उससे, या तो हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर ले उससे भी ये डिजीज हो सकती हैं। और तो अगर मदर्स में है, मगर किसी मदर में ये बीमारी है तो फोइटस में भी जा सकती है, वो फोइटस में भी ट्रांसफर हो सकती है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पेस एंड एचआईवी इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर हेपेटाइटिस बी जनरल जेनिटल हर्पेस और एचआईवी के इन्फेक्शन को छोड़ दिया जाए तो जो और डिजीजेस हैं अगर उनका अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए तो उसे ठीक किया जाता है, उसे वो क्यूरेबल है। लेकिन ये जो डिजीज है मीन्स हेपेटाइटिस बी हुआ, जेंटल हर्पेस हुआ और एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, ये क्यूरेबल नहीं होता है। इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, और उसमें क्या होता है ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, हल्का सा दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है जेंटल रीजन्स में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑप्शन often be asymptomatic and hence may remain undetected for long time. वहीं females में इसका कोई symptoms नज़र नहीं आता है, इसलिए females में ये disease बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चलती है। Absence of less significant symptoms in the early stage, infection and social stigma attached to the STDs deter the infected person from going to timely detection and proper treatment. ये जो STDs से related patients होते हैं उन्हें सामाजिक सपोर्ट से मीन सोशल स्टिग्मा प्रोवाइड करके और तो अर्ली डिटेक्शन की वजह से हम उनको टाइमली डिटेक्ट करके मीन्स हमेशा टाइम टाइम उनका चेक करके उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उन्हें हम क्योर कर सकते हैं, उन्हें हम बचा सकते हैं। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, लेकिन अगर वही बाद में हुआ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, विच इंक्लूड जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती हैं, मीन्स उनके पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन की जैसे डिजीज हो सकती हैं, एबॉर्शंस में दिक्कत आ सकती हैं, स्टिल बर्स हुआ, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई, या इनफर्टिलिटी या कैंसर जैसे डिजीजेस भी लग सकती हैं। ठीक है, एसटीडीज आर ए मेजर थ्रेट ऑफ हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी के लिए जो एसटीडीज हैं ये बहुत ही बड़े धब्बे के रूप में है, बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज के रूप में एसटीडीज एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। ठीक है, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसीलिए जो RCH प्रोग्राम चलता है उसके तहत इन डिजीजेस का पहले से ही पता कर लेना और उनको क्योर करना बहुत ही जरूरी प्राइम कंसिडरेशन होता है इन प्रोग्राम्स का, मीन्स मुख्य काम होता है। ठीक है, तो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, लेकिन ये इन्फेक्शन हर पर्सन को हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन को हो किसी को ना हो, ये हर पर्सन को हर एज ग्रुप को हो सकता है और हर एक एज ग्रुप को मीन्स 15 to 24 ईयर्स एज ग्रुप को अधिकतर देखा गया है। देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, यहाँ बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की कोई रीज़न नहीं है क्योंकि इसका जो प्रिवेंशन है वो पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल, कोई भी चीज़ों से इन एसटीडीज से बच सकता है कुछ सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करके, जिसमें क्या आता है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, आपको उस पार्टनर से जो मल्टीपल पार्टनर होता है या अननोन पार्टनर होता है उससे सेक्स से बचना चाहिए। ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस, हर कोइटस के ड्यूरेशन में आपको कंडोम का यूज करना चाहिए। एंड इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट हो तो वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ डिजीज, अगर आपको डाउट हो तो आपको एक हेल्थ मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाके अपना अर्ली डिटेक्शन मीन्स पहले उसका टेस्ट करवा के पता कर लेना चाहिए और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एसटीडीज के बारे में जानने के बाद एक टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी, अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा पूरा का पूरा स्टडी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो बेकार होता है। विदाउट नोइंग द इनफर्टिलिटी को बिना जाने हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, पूरे वर्ल्ड में और तो और इंडिया में भी बहुत बड़ी संख्या में जो कपल्स हैं वो क्या है इनफर्टाइल है, मीन्स वो अपने इनफर्टिलिटी मीन्स वो कैन नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, वो खुद के बच्चे नहीं जन्म दे सकते हैं। ठीक है, unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. The reason for this could be many physical congenital diseases, drugs, immunological or
इवन फिजियोलॉजिकल, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, मे बी फिजिकल कॉन्जेंटियर, या उनकी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, या उन्हें कोई डिजीज हो, या वो ड्रग का यूज करते हों, या उनकी इम्यूनोलॉजी या फिजियोलॉजी कमजोर हो। इंडिया में अधिकतर देखा गया है कि फीमेल्स को बच्चा न होने के लिए डोज दिया जाता है ना, फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर द कपल बींग चिल्ड्रेनलेस। जिस कपल को बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए फीमेल्स को जिम्मेदार माना जाता है, फीमेल्स को गलत ठहराया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। जो प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, वो मेल पार्टनर में होती है। और अगर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स में जाएं, जहां इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होती हैं उसमें जाएं, तो ये प्रॉब्लम को डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और कुछ अगर डिसऑर्डर्स होंगे एंड इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन, आपके कपल के में कुछ डिसऑर्डर्स होंगे, कुछ बीमारियां होंगी, तो उसे क्योर करके वो कपल भी चिल्ड्रेन बियर कर सकते हैं, उन कपल्स को भी बच्चे हो सकते हैं। However, such cases are not possible, जहाँ ये सब नहीं हो पाता है, the couples could be assisted to have children. Though certain special techniques commonly known as assisted reproductive technology, जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं, वहाँ भी कपल चिल्ड्रेन को बियर कर सकते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक द्वारा, जिसका नाम है ART, means assisted reproductive technologies. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन मोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बेबी, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वन सच मेथड। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या आता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन आता है, मीन्स जहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के बाहर करवाई जाती है और फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में। और ऐसे और भी मेथड हैं जिससे इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को हम और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें, इसमें कहते हैं जो मेल डोनर होता है, जो या फीमेल डोनर होता है, उससे स्पर्म, सॉरी फीमेल डोनर से ओवा का कलेक्शन करके और मेल डोनर से स्पर्म का कलेक्शन करके टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में उनका फ्यूजन करवाया जाता है और जायगोट का फॉर्मेशन करवाया जाता है, ठीक है। फिर जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो जब ब्लास्टोमर एट स्टेज पे होता है, फिर उसका ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। प्रोसेस में क्या होता है, जो मेल या फीमेल डोनर होते हैं उनसे दोनों के गैमेट्स को लेके लेबोरेटरी में उसका फ्यूजन करा के जायगोट का फॉर्मेशन कराया जाता है। और जब जायगोट एम्ब्रियो तक पहुँचता है, मीन्स एट ब्लास्टोमर स्टेज तक पहुँचता है, फिर उस जायगोट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर मेथड से, ठीक है। और फिर वो एम्ब्रियो या एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूट्रस, और अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर्स से भी ज़्यादा स्टेज में पहुंच गया है, तो फिर उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर कहाँ करते हैं, उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिस मेथड को जानते हैं IUT के नाम से, मीन्स इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, टू कम्प्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, ताकि जो और डेवलपमेंट है एम्ब्रियो के वो कंप्लीट हो सके। एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। और तो और इन विवो फर्टिलाइजेशन का यूज भी किया जाता है, मीन्स किसी हेल्दी फीमेल से जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी हो और उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका हो, उसके एम्ब्रियो को निकाल के किसी दूसरे फीमेल के एम्ब्रियो किसी दूसरे फीमेल के बॉडी में इंगल्फ कर दिया जाता है, मीन्स एक हेल्दी, ताकि वो जो हेल्दी फीमेल है उसके अंदर से एम्ब्रियो को निकाल के दूसरे फीमेल जो अनहेल्थ मीन्स जिसके जो इनफर्टाइल है लेकिन वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए एबल है, उसकी एम्ब्रियो उसको मैं ट्रांसफर कर देता है, वो फिर बेबी को डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस करती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब सिफ्ट टू ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। और तो एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, गैमिट ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गैमिट का ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में होता है
और इस प्रोसेस को कहते हैं गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, जो दूसरी फीमेल होती है जो गैमिट को नहीं प्रोड्यूस कर सकती है उसके, और लेकिन वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर सकती है, उसके लिए दूसरे फीमेल से गैमिट लेके उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI is another specialized process to form an embryo in the laboratory which in which a sperm is directly injected into the ovum. और एक मेथड है जिसे हम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें लेबोरेटरी में एक ओवम में इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसे फर्टिलाइज कर दिया जाता है। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर टू बी इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट्स। जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं वो अधिकतर दो ही कारण के वजह से होते हैं, या तो मेल पार्टनर इंसेमिनेशन की प्रोसेस न कर पा रहा हो फीमेल के साथ, या तो जो स्पर्म काउंट होता है मेल का वो कम हो इजैकुलेशन के दौरान। कुड बी कलेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, और इसको भी सुधारा जा सकता है किस मेथड से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से इसको भी क्योर किया जा सकता है। इन इस टेक्निक में क्या होता है, सीमेन जो होता है उसे एक हेल्दी डोनर से या हस्बैंड से कलेक्ट करके आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजिना, उसे बाहर से वेजिना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और या तो यूट्रस में उसे भेज दिया जाता है। इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, फीमेल में फीमेल के वेजिना में इंसर्ट किया जाता है या यूट्रस में डाला जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। ये तो सारी टेक्निक्स जो हैं वो है तो बहुत ही हाई फाई टेक्निक्स है कि नहीं, इसके लिए एक एक्सपर्ट की मदद लेना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड्स होते हैं और इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे होते हैं। Therefore, these facilities are presently available only in the few centers in the country. इसीलिए ये सारी फैसिलिटी है ये पूरे कंट्री में कुछ ही जगह पे अवेलेबल है, पूरे कंट्री में ऑल ओवर कंट्री नहीं मिल पाएगी ये फैसिलिटी, ठीक है। Obviously, their benefit is affordable to only a limited number of people. हम जानते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो कुछ ही लोगों द्वारा लिया जा सकता है। इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिट्रेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड और तो और ये मेथड्स इमोशनली रिलीजियसली और सोशल तीनों फैक्टर्स द्वारा एडॉप्ट कर लिए गए हैं, इनमें किसी तरह का रोक नहीं है इन मेथड्स में, है कि नहीं। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ द प्रोड्यूस टू हैव चिल्ड्रेन इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रेन, इसका जो मुख्य एम क्या होता है, इस सारे मेथड्स का मुख्य एम क्या होता है कि उनके पास एक चिल्ड्रेन हो, एक बच्चा हो। अगर हम इंडिया में बात करें तो ऐसे बहुत ही अनाथ बच्चे या सड़क पे घूमने वाले बच्चे मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रेन इन्हें छोड़ दिया गया है, हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, जो कि अपने मैच्योरेशन एज मीन्स 12 से 18 साल तक की एज तक भी नहीं जी पाते हैं अनलेस टेकन केयर ऑफ, अगर उनका ध्यान न रखा जाए तो, है कि नहीं। कुछ ऐसे बहुत से ऐसे चिल्ड्रेंस हमारे मिल जाएंगे हमारे कंट्री में जो ऑर्फेंड और अनाथ हो जाते हैं या उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी प्रॉपर केयर न होने के कारण वो मैच्योरिटी एज तक भी नहीं जी पाते, मीन्स 12 से 15 साल के उम्र तक भी नहीं जी पाते हैं, है कि नहीं। आवर लॉस परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज एज इट, हमारे जो कानून है वो उसका लीगल एडॉप्शन के लिए मीन्स उन चिल्ड्रेंस को अडॉप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए लीगल परमिशंस देते हैं, ठीक है, कानूनी कार्रवाई से साथ परमिशन भी मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है उन कपल्स के लिए जो पेरेंटहुड मीन्स पेरेंट बनना चाहते हैं, वो अपने खुद वो चिल्ड्रेन को बियर करना चाहते हैं, चिल्ड्रेन को पालना चाहते हैं, तो उन सारे मेथड्स के अलावा एडॉप्शन की मेथड्स भी हैं जो लीगल की गई है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। सो ऑल यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर, जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हमारा चैप्टर है, इसमें हमने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है कि कैसे हम एक हेल्दी सोसाइटी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो MTPs हैं मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर STDs के बारे में जाना कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उन्हें कैसे क्योर या कैसे पता लगा सकते हैं और कौन कौन से डिजीजेस हैं, ठीक है।
उसी के साथ इनफर्टिलिटी के बारे में जाना कि जो मोस्ट कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, जो खुद के चिल्ड्रेंस को नहीं बियर कर पाते हैं, जो खुद से बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं, उनके लिए क्या टेक्निक्स या क्या मेथड्स अप्लाई होते हैं सोसाइटी में, या क्या क्या मेथड्स हैं साइंटिस्ट द्वारा निकाले गए जिसके द्वारा वो भी एक हेल्दी फैमिली, एक स्मॉल फैमिली या एक चिल्ड्रेन को बियर कर सकते हैं। तो सो ये चैप्टर कंस्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।